फल ही लग रही हैं। लेकिन जब तक हम इन्हें टेस्ट नहीं कर लेते, ये कहना कबल अज वक्त है। अब हम एक एक चम्मच सब केचप का लेते हैं। नाज़रीन, ये हमने सारी केचप्स का एक एक चम्मच ले लिया है। ये सारे अच्छे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में आम अवेलेबल हैं। हमारे घरों में आम तौर पे यही ब्रांड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि हमारा मकसद किसी एक ब्रांड को टारगेट करना नहीं है, मैं आपको तरीका बता दूंगा, आप खुद घर पे चेक कर लेंगे। और ये वो वाला तरीका है जो पंजाब फूड अथॉरिटी अप्लाई करती है, इसलिए आप बेफिक्र होके पूरे एतमाद के साथ इसको अप्लाई करें। और अगर वो रिजल्ट निकलें जो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, तो उस केचप को आपने डिस्कार्ड कर देना है, वो केचप नहीं खरीदनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये पायोडीन है जो आम केमिस्ट से मिल जाती है, इसके आप कुछ कतरे हर केचप में डाल देंगे जी। ये देखिए, इधर भी डाल दें, थोड़े बहुत ज्यादा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। इधर डाल दें, इधर डाल दें जी। उसके बाद हम इन्हें मिक्स करते हैं। ये हम क्यों डालते हैं? बेसिकली जब हम केचप में आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो ये डिटेक्ट कर देती है कि इसमें स्टार्च मौजूद है या नहीं है। स्टार्च क्या चीज होती है? स्टार्च बेसिकली वो चीज होती है जिसे हम अरारोट भी कह सकते हैं, जिसे हम कपड़ों को जो हम माया लगाते हैं उसे स्टार्च कहते हैं। और अगर केचप में फ्रूट पल्प या वेजिटेबल पल्प की जगह पे स्टार्च पाई जाए तो ये जो आयोडीन सॉल्यूशन है ये उसे डिटेक्ट कर देता है, उसका जो कलर है वो बिल्कुल स्याही माइल यानी डार्क पर्पल कलर का हो जाता है। जितनी ज़्यादा उस केचप में स्टार्च की मिकदार ज़्यादा होगी उतना उसका कलर डार्क हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि एक जो केचप थी इसका रंग तब्दील नहीं हुआ, ये वाली केचप जो है उसका रंग तब्दील नहीं हुआ, बहुत माइनर सा फर्क पड़ा है, ऑलमोस्ट वही रहा है कलर उसका। लेकिन उसके साथ आप ये देख लें जो दूसरी केचप है उसका रंग बहुत गाढ़ा हो गया है, स्याही माइल हो गया, डार्क पर्पल कलर का हो गया है। लेकिन दूसरी प्लेट में अगर हम आते हैं तो उसमें ये देखें कि ये एक ब्रांड की केचप है, उसके कलर को जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा उसमें। ये जो अभी पूरी तरह मिक्स नहीं हुआ है, ये पायोडीन ये एक साइड पे जरूर नजर आ रहा है लेकिन उसके बाकी कलर को कतन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसी प्लेट में मौजूद एक और केचप का कलर बिल्कुल जैसे जामन होता है उसका कलर हो गया, स्याही माइल कलर हो गया उसका। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो केचप है इसमें सिर्फ था ही स्टार्च, इसमें वेजिटेबल पल्प नाम की कोई चीज नहीं थी। अब केचप जो है, केचप में वेजिटेबल पल्प क्यों डाली जाती है? बेसिकली ये टोमेटो केचप है, इसमें टमाटर का गूदा डाला जाना चाहिए। लेकिन हमारे बास ब्रांड ऐसे हैं कि जो इसमें टमाटर का गूदा नहीं डालते हैं, टमाटर की पल्प नहीं डालते हैं, वो क्या करते हैं कपड़ों को लगाने वाली जो माया है जिसे अरारोट कहते हैं वो डाल देते हैं। और उससे ये होता है कि इससे थिकनेस बन जाती है, इसमें मस्नूई कलर डाल देते हैं, इसमें मस्नूई फ्लेवर डाल देते हैं और नाम उसका टोमेटो केचप दे देते हैं। अब टोमेटो, ये कैसी टोमेटो केचप है जिसमें टमाटर का निशान ही नहीं है? ये केचप कैसे बनती है? बहुत से ऐसे हमारे एक तो हमारे ये ब्रांड्स हैं, कुछ ब्रांड्स दो नंबरी करते हैं, वो इसमें टोमेटो पल्प की जगह पे स्टार्च डाल देते हैं। और कुछ दो नंबर केचप मार्केट में आती है और दो नंबर केचप जो है वो तो इंतहाई घटिया है, वो सेहत के लिए हद दर्जा मुजरे सेहत है, यानी वो हमारी सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह है। वो बनती कैसे है? उसके लिए कोई बड़ी मशीनरी नहीं चाहिए, कोई टमाटर नहीं चाहिए,
उसके लिए सिर्फ बड़े बड़े पतीले चाहिए, बड़े बड़े देगचे चाहिए। उसमें ये लोग स्टार्च डालेंगे, उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स डालेंगे, उसमें इंडस्ट्रियल कलर्स डालेंगे। ये इंडस्ट्रियल कलर्स कौन से कलर्स होते हैं? ये बेसिकली वो वाले कलर हैं जो दुपट्टे रंगने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कतन फूड ग्रेड कलर नहीं है। हमारे जो गुर्दे हैं इनके ऊपर बारीक बारीक फिल्टर्स होते हैं, जैसे झिल्ली होती है उसमें बारीक बारीक सुराख होते हैं। इसमें से बार बार खून उसमें से गुजरता है, उसमें जो कसाफतें होती हैं वो उन खुलियों में, उस जालियों में, गुर्दे की जालियों में वो छानी जाती हैं और खून हमारा साफ होता रहता है। ये हमारा गुर्दों का काम है। लेकिन ये जो हमारे इंडस्ट्रियल कलर्स है, इसके कलर के साइज, इस कलर का जो मॉलिक्यूल है उसका साइज बड़ा होता है, गुर्दे की जो जालियां हैं उसका सुराख छोटा होता है। ये जो मॉलिक्यूल है ये उन जालियों को ब्लॉक कर देते हैं। जब ये उनको ब्लॉक कर देते हैं तो चूंकि वो जालियां अरबों की तादाद में वो सुराख होते हैं, तो फौरी तौर पे तो हमें इतना महसूस नहीं होता है। जब हम एक अरसा ये खा लेते हैं तो उससे पता ये चलता है कि हम अपने गुर्दे तबाह कर बैठे हैं, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल कलर्स हैं, ये दुपट्टे रंगने वाले कलर, ये उन गुर्दे की जालियों को ब्लॉक करते जाएंगे तो गुर्दे काम करना छोड़ते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों की इस्तेदाद जो है वो कम हो जाएगी और एक स्टेज आएगी कि गुर्दे फेल हो जाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता गुर्दे फेल हो जाएं तो कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, या फिर उसे हर दूसरे दिन डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। और मेरे वो दोस्त, वो अजीज, वो व्यूअर्स जिनके, जिनका कोई अजीज खुदा ना खास्ता डायलिसिस का मरीज है, जिसे डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, वो इस तकलीफ को बखूबी समझ सकता है। और वहाँ पे अगर आप चाहें कि आपका भी, आपके अजीज का नंबर भी उस डायलिसिस वाली लिस्ट में शामिल हो जाए, तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है कि पहले वाले जो मरीज़ हैं उनमें से कोई मरीज मर जाए तो इनको उस लिस्ट में डाला जा सकता है, क्योंकि उसकी लिस्ट इतनी तवील है, मशीनें थोड़ी हैं। तो इस वजह से उस स्टेज पर हम जाएं ही क्यों, हम अपनी खुराक क्यों ना बेहतर कर लें, हम ऐसी मुजरे से चीज़ों से क्यों ना बच जाएं कि वो नौबत ही ना आए। इसके साथ ही आज की एपिसोड से मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।